नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। नागालैंड के राजा मिर्च को पहली बार लंदन किया गया निर्यात। एपीडा ने नागालैंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सहयोग से किंग चिली का किया निर्यात। खादी ग्राम उद्योग आयोग और सीमा सुरक्षा बल ने जैसलमेर में मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों में हरित क्षेत्र विकसित करने के लिए अपनी तरह का है ये अनोखा प्रयास। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ा। लोगों को नदी तटों के पास न जाने की सलाह। चिनाब से सटे इलाके में अलर्ट जारी। उधर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर सहित 4 जिलों के लिए भी रेड अलर्ट किया गया जारी। और आज मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है बाघ दिवस। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी बधाई। और शुरुआत करते हैं पूर्वोत्तर के राज्यों से। नागालैंड के राजा मिर्च को भेजा गया है लंदन। नागालैंड के किंग चिली राजा मिर्च की पहली बार लंदन को निर्यात किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नागालैंड के किंग चिली राजा मिर्च को पहली बार लंदन निर्यात किया गया है और इससे किसानों को कहीं ना कहीं लाभ होगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लगातार निर्यात को प्रोत्साहन दिया जा रहा है ताकि जो स्थानीय किसान हैं उनकी आय में वृद्धि हो सके। किंग चिली की इस खेप को स्कोविल हीट यूनिट्स के आधार पर दुनिया की सबसे तीखी भी माना जाता है। इस खेप को नागालैंड के पेरेन जिले के तेनिंग से मंगवाया गया था और इसे फिर लंदन जो है निर्यात किया गया है। किंग चिली गुवाहाटी में एपीडा से सहायता प्राप्त एक पैक हाउस में इसको पैक किया गया था। उसके बाद इसको निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया गया। नागालैंड की इस मिर्च को भूत जोलोकिया और घोस्ट पेपर भी कहा जाता है। इसे 2008 में GI सर्टिफिकेशन भी मिला है। एपीडा ने नागालैंड राज्य कृषि विपणन बोर्ड के सहयोग से ताजा किंग चिली का निर्यात किया और इसका कहीं ना कहीं जो उद्देश्य है वो किसानों की आय को दोगुना करना है। एपीडा ने जून और जुलाई 2021 में प्रयोगशाला जांच के लिए इसके नमूने भेजने में NSMB की सहयोग लिया था। प्रयोगशाला में जांच के नतीजे उत्साहजनक रहे क्योंकि इसे जैविक तरीके से उगाया जाता है। पूर्वोत्तर राज्य वैसे भी जैविक खेती के लिए प्रसिद्ध रहा है। अत्यधिक खराब होने की इसकी प्रकृति के कारण ताजा किंग चिली का निर्यात एक चुनौती भी था। और अब बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान के मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड, खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा सीमा सुरक्षा बल ने प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की और इसका मकसद है कि कहीं ना कहीं हरित प्रदेश को बढ़ाना, जो हरियाली है उसको बढ़ाना। खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग तथा सीमा सुरक्षा बल ने प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की है और यहाँ पर बांस के पौधे लगाए जा रहे हैं। जैसलमेर में मरुस्थलीकरण को रोकने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड की शुरुआत की। ये साझी शुरुआत है BSF और खादी ग्रामोद्योग की। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में हरित क्षेत्र विकसित करने की शुरुआत की गई ताकि जो हरित क्षेत्र है उसका विस्तार हो सके। प्राथमिक प्रयासों में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने एक शुरुआत की और 1000 बांस के पौधे जगह जगह पर लगाए हैं। जैसलमेर के तनोट गाँव में बांस के 1000 पौधे लगाकर इसकी शुरुआत की गई। उसको धीरे धीरे और विस्तार भी दिया जाएगा। KVIC के प्रोजेक्ट बोर्ड यानी कि सूखे क्षेत्र वाली भूमि पर बांस आधारित हरित क्षेत्र के हिस्से के रूप में बांस का रोपण किया गया है। मरुस्थलीकरण को कम करने और स्थानीय आबादी को आजीविका उपलब्ध कराना इसका एक उद्देश्य भी है। यहाँ पर मनरेगा का भी सहयोग लिया गया है। तनोट माता मंदिर के पास 2.50 लाख वर्ग फुट से अधिक ग्राम पंचायत भूमि में बांस के पौधे लगाए गए हैं। इन बांस के पेड़ों के रखरखाव की जिम्मेदारी BSF की होगी। इसका जो साझी सहयोगी रहा है वो खादी ग्रामोद्योग रहा है। प्रोजेक्ट बोल्ड 4 जुलाई को राजस्थान के उदयपुर जिले के एक आदिवासी गांव निचला मंडवा से शुरू किया गया था और इसको धीरे धीरे विस्तार दिया जाएगा, जिसके तहत 25 बीघा शुष्क भूमि पर विशेष बांस प्रजातियों के 5000 पौधों का रोपण किया गया था। इसके साथ साथ आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए KYC के खादी बांस महोत्सव के हिस्से के रूप में ये पहल शुरुआत हुई है। और बात करते हैं कानपुर के। कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने रोग प्रतिरोधक क्षमता युक्त मल्टीग्रेन दलिया विकसित किया है। यह दलिया कोरोना से लड़ने में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगी। इसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी सहित अन्य पोषक अनाजों को मिलाकर बनाया गया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट।
उत्तर प्रदेश में कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिकों ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित सेंटर फॉर एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना के अंतर्गत मल्टीग्रेन दलिया विकसित किया है। इसके प्रयोग से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। निदेशक शोध डॉक्टर HC प्रकाश के निर्देशन में फूड एवं न्यूट्रिशन विभाग के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर सीमा सोनकर, डॉक्टर प्रज्ञा एवं डॉक्टर सुमन मौर्या द्वारा विकसित की गई मल्टीग्रेन दलिया कोविड महामारी संक्रमण से निपटने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करने में सहायक होगी। डॉक्टर HG प्रकाश ने बताया कि विकसित की गई मल्टीग्रेन दलिया में 6 भाग गेहूं, 1 भाग ज्वार, 1 भाग बाजरा, 1 भाग मक्का, 1 भाग रागी सहित अन्य पोषक अनाजों को मिलकर बनाया गया है। 100 ग्राम मल्टीग्रेन दलिया में लगभग 390 कैलोरी ऊर्जा, 12% प्रोटीन के साथ महत्वपूर्ण आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स और पर्याप्त मात्रा में फाइबर होता है, जिससे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा वित्त पोषित सेंटर फॉर एडवांस एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना के अंतर्गत सीड प्रोडक्शन कंपोनेंट, प्रोटेक्टेड वेजिटेबल कंपोनेंट और हार्वेस्ट प्लस कंपोनेंट कार्यक्रम संचालित है। हार्वेस्ट प्लस कंपोनेंट घटक के अंतर्गत गृह विज्ञान संकाय में स्थापित फूड एंड न्यूट्रिशन विभाग में कार्यरत डॉक्टर सीमा सोनकर, डॉक्टर प्राज्ञा और डॉक्टर सुमन के द्वारा मल्टीग्रेन दलिया तैयार किया गया है। इसमें 6 भाग गेहूं के दाना, 1 भाग ज्वार का, 1 भाग बाजरा का, 1 भाग मक्का का, 1 भाग रागी का, इनको मिक्स करके इस दलिया बनाया गया है। इसके अंतर्गत 100 ग्राम दलिया में जो पोषक तत्व हमें मिलते हैं उसमें लगभग 390 कैलोरी के आसपास ऊर्जा और लगभग 12% के आसपास प्रोटीन और इसमें आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक आदि पोषक तत्व रहते हैं तथा विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होते हैं। साथ ही साथ इसमें फाइबर अधिक होने के कारण पेट संबंधी रोगों में भी ये लाभ पहुंचाता है। इस मल्टीग्रेन दलिया का सेवन संपूर्ण आहार के रूप में किया जा सकता है। यह शरीर में कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करने के साथ पाचन तंत्र को मजबूत करने में कारगर है। मोटापा एवं हृदय रोगियों के लिए यह बहुत लाभदायक है। इस दलिया को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है। विश्वविद्यालय बड़े पैमाने पर यह उत्पाद तैयार करने के साथ इसकी ब्रांडिंग भी करेगी। इस मल्टीग्रेन दलिया को दूध, दाल व सब्जियों के साथ लेने से इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। कानपुर से राजेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट, DD न्यूज। और बात जम्मू कश्मीर की करते हैं। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण डोंडा जिले में चिनाब नदी में जलस्तर बढ़ गया है। उपायुक्त रामबन ने लोगों को सलाह दी है कि लोग नदी तटों के पास न जाएं। रियासी जिला प्रशासन ने भी चिनाब से सटे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। उपायुक्त रियासी ने जिले में चिनाब नदी और अन्य नदियों के आसपास धारा 144 लागू कर दी है। इस बीच सलाल पावर स्टेशन द्वारा आम जनता को आगाह किया गया है कि नदी के किनारे रहने वाले सभी निवासी नदी के पास न जाएं और अपने मवेशियों, जानवरों को नदी में न जाने दें। वहीं किश्तवाड़ के में कल बादल फटने से हुए जानमान के नुकसान के बाद अब राहत एवं बचाव अभियान अभी भी चल रहा है। और हिमाचल प्रदेश में मंगलवार शाम से हो रही तेज बारिश के कारण अचानक आई बाढ़ के कारण अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 7 लोगों के लापता होने की खबर है। अचानक आई बाढ़ के कारण लाहौल स्पीति के उदयपुर उप संभाग में 7 लोगों की और चंबा जिले के सलूनी में 2 लोगों की मौत हुई। इसी तरह कुल्लू जिले में पार्वती नदी की सहायक नदी में एक पर्यटक सहित 4 लोगों के बह जाने की खबर है। जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। राज्य के मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने कहा कि राज्य में पिछले 24 घंटों में अलग अलग घटनाओं में 14 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। राज्य में NDRF और SDRF का राहत और बचाव जारी है और फंसे वाहनों को, पर्यटकों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया है। कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर और सिरमौर सहित 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। शिमला मौसम विभाग ने भूस्खलन की चेतावनी जारी की और लोगों को नदी नालों से दूर रहने की हिदायत दी है। और अब बात करते हैं अलग दूसरे राज्य की, झारखंड की। झारखंड में किसानों के लिए कृषि पाठशाला। झारखंड में किसानों को जागरूक करने के लिए सरकार ने किसान पाठशाला की शुरुआत की है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके।
झारखंड में किसानों को जागरूक करने का प्रयास लगातार किया जाए ताकि जो 2022 का लक्ष्य है किसानों की आय दोगुना करने का उसको बढ़ाया जा सके। इसीलिए कृषि पाठशाला की शुरुआत की जा रही है, कृषि पाठशाला योजना शुरू की जाएगी ताकि किसानों के जीवन स्तर में सुधार हो सके और उन्हें आधुनिक खेती से जोड़ा जा सके, जैविक खेती के बारे में बताया जा सके। झारखंड के किसानों को आधुनिक खेती के जोड़ने के लिए कृषि पाठशाला की शुरुआत की जा रही है ताकि जो किसानों की आमदनी है वो बढ़ा सके, बेहतर खेती कर सके। किसानों को आधुनिक पद्धति के जरिए खेती बाड़ी की जानकारी दी जाएगी, इसके बाद इसके साथ साथ उन्हें जो आय बढ़ाने के भी तरीके बताए जाएंगे और ये भी बताया जाएगा कि कौन सी फसल वो उगाकर अपनी आय बढ़ा सकते हैं। जिन जगहों पर कृषि पाठशाला की शुरुआत की जाएगी वहां के 3 से 4 गांवों को बिरसा गांव के तौर पर स्थापित किया जाएगा और किसानों को जागरूक किया जाएगा। किसानों के उत्पाद को भंडारण के लिए 5 से 10 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज बनाए जाएंगे, जो कि एक बड़ी समस्या है कि अगर छोटे छोटे भंडारण गृह बन जाएंगे तो किसानों को लाभ होगा। इन कोल्ड स्टोरेज को सोलर एनर्जी से संचालित किया जाएगा। इन किसानों के लिए भी एक बेहद अच्छी खबर है कि सोलर एनर्जी से इन भंडारण गृहों को संचालित किया जाएगा। झारखंड सरकार कृषि पाठशाला स्थापित के लिए मिशन मोड पर काम कर रही है और लगातार अलग अलग जिलों में किसान पाठशाला, जिसे कृषि पाठशाला का नाम दिया गया है, उसको लगाया जा रहा है। कृषि पाठशाला के तहत किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है, आधुनिक खेती की जानकारी दी जाएगी, जैविक खेती के बारे में बताया जाएगा, इसके साथ साथ किसानों की फसल आसानी से बिक जाए इसका भी पूरा ख्याल रखा जाएगा, यानी कि बाजार भी बताया जाएगा कि कौन सी जो फसल उगा रहे हैं उसके नज़दीकी बाजार कौन सा है। किसानों के फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हो इसके लिए उन्हें आधुनिक पद्धति से खेती बाड़ी की भी जानकारी दी जाएगी। और अब बात करते हैं जल संरक्षण की। जल है तो कल है और पानी बिन सब सून, इस तरह के प्रेरक वाक्य आपने जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या सही अर्थों में हम इनका मर्म समझते हैं या बस इन्हें किताबी बातें समझते हैं? आइए वर्षा जल संरक्षण के इस वर्ष के ताजा तरीन आंकड़ों से इस बात को हम समझते हैं कि धनबाद में मेघ पाइन अभियान के जरिए जल संचयन को लेकर जो प्रयास किया गया है वो अगर व्यापक रूप में जमीन पर उतारा जाए तो बारिश के पानी से जल संकट से बचने की राह आसान हो सकती है। वर्षा जल संचयन संरक्षण के क्षेत्र में मेक पाइप अभियान के अगुवा एकलव्य प्रसाद बिहार झारखंड में एक जाना पहचाना नाम है। प्रसाद कई सालों से जल संरक्षण और भूगर्भी जल को रिचार्ज करने के अभियान में लगे हैं, जिसमें उन्हें काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। एकलव्य प्रसाद ने झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बताया कि इस वर्ष अब तक राज्य के 4 जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा हुई, जबकि 6 में कम और बाकी में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई। उन्होंने बताया कि धनबाद जिले के बारतान में अब तक 680 मिलीलीटर वर्षा हुई है, जिसमें ज्यादातर जल को संरक्षित नहीं किया जा सका। खुद के प्रयास की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि इस वर्ष उन लोगों ने धनबाद जिले के बारतान में अब तक तकरीबन 4,77,360 लीटर वर्षा जल का संचयन करते हुए ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया। प्रसाद ने कहा कि जल संचयन के अभिनव प्रयोगों से जन सामान्य को भी रूबरू कराया जाना चाहिए ताकि उन्हें इसका आइडिया मिल सके। 2021 में जो बारिश 1 मई से लेकर 19 जुलाई तक जो हुआ है बारटान में, धनबाद में, उसका जो स्पेसिफिक्स है वो है कि 41 डेज ऑफ रेनफॉल रेनी डेज है एंड 40 डेज ऑफ ड्राई स्पेल है। ये 41 डेज में उत्तरायण में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम लोग काम कर रहे हैं 2018 से, उसके कैलकुलेशन के हिसाब से अभी तक ये 680 मिलीमीटर और 41 डेज में जो बारिश हुई है उसके हिसाब से अभी तक हम लोगों ने 477,360 लीटर्स रेन वाटर को हार्वेस्ट किया है और उसके हम लोगों ने उससे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज किया है। वर्षा जल संरक्षण के वास्ते सामूहिक प्रयास की जरूरत है। शहरी इलाकों में राज्य सरकारों को वर्षा जल संरक्षण के लिए ठोस रणनीति और निगरानी तंत्र बनाने की जरूरत है, जो खानापूर्ति मात्र न हो। राज्य सरकार को शहरों में वर्षा जल संग्रहण को और बेहद स्केल में इसे इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है। स्टेट के पास एक उन्होंने इसे एक नॉन नेगोशिएबल बनाया है जितने भी न्यू कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं, लेकिन इसमें यह भी बात लाने की बहुत ज़रूरत है कि एक तरफ तो इसे नॉन नेगोशिएबल बनाया गया है, दूसरी तरफ इसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए। शहरी क्षेत्रों में भूगर्भी जल का ज़्यादातर दोहन हो रहा है, उस तुलना में वाटर रिचार्ज को लेकर लोगों में ज़्यादा संजीदगी नहीं दिखती।
एकलव्य प्रसाद ने कहा कि हमें वर्षा जल को भी संसाधन के रूप में देखने की जरूरत है। शहरों में दोहन भूजल का ज्यादा है, उसके रिचार्ज करने का, उसमें वापस पानी डालने का जो एक इनिशिएटिव होना चाहिए वो नहीं है, उसको ध्यान में रखकर इसे हम लोगों ने करने की कोशिश की है। तो इससे क्या होता है कि जितनी बारिश हमने किया उसको हम लोगों ने डाला, वो वेस्ट नहीं गया, और ड्राई स्पेल के समय वो पानी पर्याप्त रहता है भूजल में। अब ये जरूरी नहीं है कि हमारे इलाके हमारे घर के नीचे ही रहे, लेकिन कम से कम वो एक कॉमन पूल रिसोर्स जो है उसमें हम लोग ये पानी डाल रहे हैं, ताकि जो पानी हम निकाल रहे हैं उस कम से कम उसके हिसाब से अगर देखें तो हम अपने हिस्से का पानी भूजल में डाल रहे हैं। तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोगों को लाने की ज़रूरत है, जिस तरीके से अभी काम जिस तरीके से मनुष्य और भूजल का जो एक रिश्ता बना हुआ है उसको बदलने का। हाल के वर्षों में वर्षा जल संचयन संरक्षण को लेकर लोगों का रुझान जरूर बढ़ा है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में और प्रयास की जरूरत है, ताकि सभी इस दोहे के मर्म को समझे। मानव रखना याद तू, जल जीवन का मूल, बूंद बूंद संभालना रखना यही उसूल। धनबाद से अजय कुमार के साथ दिवाकर कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और एक बार फिर जल संरक्षण की बात कर लेते हैं। कैच द रेन से जल संवेदनशीलता बढ़ाने पर लगातार फोकस किया जा रहा है। गंगा बेसिन में शहरों को जोड़ा जा रहा है, इसके साथ साथ गंगा बेसिन में शहरों को जल संवेदनशील बनाने के लिए क्षमता निर्माण की पहल की गई, ताकि लोगों को जल के प्रति संवेदनशील बनाया जा सके। NMCG के महानिदेशक ने पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा संरक्षण और पुनर्स्थापना की आवश्यकता के साथ साथ प्रदूषण उपशमन पर भी बल दिया है। केंद्रित क्षेत्रों में जल संवेदनशील शहरी डिजाइन और योजना, शहरी जल दक्षता और संरक्षण पर भी लगातार फोकस किया जा रहा है। विकेंद्रीकृत अपशिष्ट जल शोधन और स्थानीय रूप से इसका पुनः उपयोग, शहरी भूजल प्रबंधन और शहरी जल प्रबंधन भी शामिल किया गया है। पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा संरक्षण और पुनर्स्थापना के साथ साथ प्रदूषण उपशमन की भी आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने वर्षा जल संचयन के लिए जल शक्ति मंत्रालय की कैच द रेन पहल के बारे में भी लोगों को जानकारी दी, ताकि कैसे जल संरक्षण किया जा सकता है। शहरी स्थलों में सार्वजनिक स्थानों की अत्यधिक आवश्यकता होती है, इसीलिए जरूरी है कि लोग जल के प्रति संवेदनशील रहे। नदी के उग्र भागों से बेहतर कुछ नहीं हो सकता जो शहरों में समुदाय को जल निकायों से जोड़ता है। NMCG के महानिदेशक ने कहा कि परिदृश्य और शहरी जल चक्र सहित शहरी निर्माण स्वरूप के बीच एकीकरण की स्थापना पर बल देना जरूरी है। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है। बाघों के संरक्षण के लिए प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को इस दिन का आयोजन एक बेहद ही विशेष मकसद के लिए किया जाता है। हर एक दिन पर पूरे विश्व में खतरे में आई इस प्रजाति को बचाने के लिए जनता में जागरूकता फैलाने के इरादे से इस दिन को मनाने की प्रथा आरंभ हुई। इस बार अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस का थीम जो है वह है देयर सर्वाइवल इज इन अवर हैंड्स। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछली शताब्दी में जंगलों में कमी और वन्य जीवों की तस्करी के कारण बाघों की जनसंख्या में 95% की कमी दर्ज की गई। आज के दिन जंगलों में स्वच्छता के साथ विचरण करने के मुकाबले बाघ ज्यादातर कैद में है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने एक वीडियो साझा किया है, जिसमें देशवासियों से भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लेने का आग्रह किया गया है। क्योंकि भारत में वैश्विक बाघों की आबादी का लगभग 70% हिस्सा है, इस वार्षिक उत्सव के हमारे लिए काफी अहम है। टाइगर रिजर्व और पर्यावरण विभाग के प्रयासों से भारत ने 2022 के लक्ष्य पहल बाघों की आबादी को सफलतापूर्वक दोगुना कर लिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर आइए इस शानदार पशु के संरक्षण के बारे में जागृति पैदा करें। बाघ हमारे प्राकृतिक परिवेश का अभिन्न अंग है। यह संतोष का विषय है कि हाल के वर्षों में देश में बाघों की संख्या में वृद्धि देखी गई है, लोगों में भी बाघों के प्रति जिज्ञासा और जागृति बढ़ी है। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर वन्य जीव प्रेमियों, विशेष रूप से बाघ संरक्षण के प्रति उत्साही लोगों को बधाई। विश्व स्तर पर बाघों की 70% से अधिक आबादी भारत में है। हम अपने बाघों के लिए सुरक्षित आवास सुनिश्चित करने और बाघों के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। उन्होंने अपने अगले ट्वीट में यह भी कहा कि भारत के 18 राज्यों में 51 बाघ अभयारण्य है। 2018 की अंतिम बाघ गणना में बाघों की आबादी में
वृद्धि देखी गई है। भारत ने बाघ संरक्षण पर सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के निर्धारित समय से 4 साल पहले ही बाघों की आबादी को दोगुना करने का लक्ष्य हासिल किया है। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ निशांत वर्मा जी हैं जो मुख्य वन संरक्षक उत्तराखंड से हैं और पूर्व डीआईजी एनटीएसए भी रह चुके हैं। निशांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और सबसे पहले मैं आपसे यही समझना चाहता हूं कि आज बाघ अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जा रहा है, क्या लोगों को कैसे जागरूक किया जाए कि लोग बाघ के प्रति या जीव जंतुओं के प्रति और संवेदनशील हो सके, जागरूक हो सके और उनका संरक्षण भी कर सके? निशांत जी, नमस्कार संतोष जी। सबसे पहले तो मैं अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस, जो एक महत्वपूर्ण दिवस है बाघ संरक्षण के लिए, उसके लिए मैं सभी जो जो भी संबंधित रहे हैं जो बाघ संरक्षण से, उनको मैं बधाई देना चाहता हूँ। एक्चुअली भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा जो है टाइगर कंजर्वेशन में बहुत अच्छे माइलस्टोन इनिशिएटिव लिए गए जी। और भारत सरकार स्तर पे हमारा एक NTCA भी है जिसको हम बोलते हैं नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, और 18 राज्यों में हमारे टाइगर रेंज स्टेट्स हैं, तो उनके राज्य सरकारों द्वारा, राज्य के वन विभागों द्वारा बाघ संरक्षण में बहुत ही अच्छे अभूतपूर्व कार्य किए गए, जो कि अपने आप में जो है पूरे विश्व के लिए और अन्य टाइगर रेंज कंट्रीज के लिए भी एक जो है बहुत ही सफल उदाहरण है जी। क्योंकि ये उदाहरण है कि किस प्रकार से जो है बाघ संरक्षण जो है किया जाए जी। निशांत, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या अक्सर ये देखा जाता है जो अभयारण्य में अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो गांव हैं, इंसान और जीवों के बीच अक्सर देखा जाता है कि संघर्ष चलता रहता है जी। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं जी? निशांत जी, मैं ये समझना चाहता हूँ कि जो जीवों और इंसानों के बीच जो संघर्ष अक्सर देखा जाता है, जो अभयारण्य के अंदर जो लोग हैं, जो गांव हैं, उनको कैसे रोका जा सकता है? क्या उसमें गांव वालों की जागरूकता काफी अहम भूमिका साबित हो सकती है? हाँ, ये निश्चित रूप से बहुत आवश्यक है कि जो स्थानीय लोग हैं, जो कि आसपास के गांव में रह रहे हैं, जो टाइगर रिजर्व या हमारे अभयारण्य या नेशनल पार्क के क्षेत्र हैं, और दूसरे कुछ हमारे समुदाय ऐसे भी हैं जो उनकी बसायत है, हैबिटेशन है, जो कि कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट जो होता है टाइगर रिजर्व का, उसके अंदर भी कई बसायतें हैं जो कि पूर्व से ही रह रहे हैं, तो उसमें भारत सरकार की तरफ से NTCA द्वारा जो है एक पैकेज भी डेवलप किया गया है कि उनको उचित स्थान पे कहीं पे रिहैबिलिटेट करके जो है, ताकि एक वो वाला जो एरिया वहां से खाली होगा उसको टाइगर कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के रूप में यूज कर किया जा सके, और साथ ही साथ जहां पे वो बाहर आएंगे, चाहे वो किसी आरक्षित वन क्षेत्र में आए, बाहर आए, तो उसको भी उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं जी, उनको भी जो है लाभ मिल सकेगा। तो ये सभी जानवरों के लिए भी और हमारे जो ऐसे साथी हैं जो कि अंदर वसायत के रूप में रह रहे हैं, उनके लिए भी लाभकारी होगा। तो इस संदर्भ में जो है इस पैकेज के तहत काफी अच्छी प्रगति हुई है और कोर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट से लोगों को विस्थापित किया गया है जी। और साथ ही जो हमारे स्थानीय समुदाय हैं, जो कि मतलब रेवेन्यू विलेजेस हैं लेकिन वो आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं, तो विभिन्न प्रकार की जो है अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स, किस प्रकार से क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट से मिटिगेशन हो सकता है, किस प्रकार से उनका बचाव हो सकता है, इस संबंध में जो है जी निशांत जी एक संक्षिप्त में एक सवाल मैं और आपसे पूछना चाहता हूं कि अक्सर ये देखा जाता है कि किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती है, हाथी है, गैंडा है जैसे जो जानवर है कि किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते हैं, क्या वहां पर किसानों को जागरूक किया जा सकता है कि वो ऐसी फसलें बोए जिसका नुकसान कम हो? बहुत संक्षिप्त में जी। इस संबंध में भी कुछ स्थानों पर जो है प्रयास हुआ है कि भाई इस प्रकार से वो फसल बोए कि वो बहुत ज्यादा मतलब पैलेटेबल ना हो वो उसके लिए, वाइल्ड एनिमल्स के लिए। और दूसरा प्रयास ये भी किया जा रहा है कि जैसे सपोज गन्ने की हम बात करें और पीलीभीत टाइगर रिजर्व की बात करें, तो वहां पे तो पूरे के पूरे जो रिजर्व फॉरेस्ट के बाहर का क्षेत्र है उसमें गन्ना बहुत आयत में पैदा करते हैं जी। तो इसमें एक प्रयास ये किया जा रहा है वन विभाग द्वारा कि भाई जो हमारा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और जो हमारा कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट है, उनसे संपर्क करके कि वो उसका जो निस्तारण है, उसकी जो हार्वेस्टिंग है वो तुरंत हो जाए जी। और जो
तुरंत हो जाए, जिससे कि वो जो है वो फसल कट पाए और बिल्कुल तुरंत निशान जी, उसकी आप सही कह निकासी रहे हैं कि हो लोगों जाए, की जिससे सहभागिता बहुत कि जरूरी है, लोगों की जागरूकता और बहुत जरूरी है और जीव जंतुओं के प्रति हमें संवेदनशील होने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इन सभी जानकारी के लिए। तो किसान समाचार में आज बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।